नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंश मनी आइडियाज़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब एंड लर्निंग एप्लीकेशंस लाता रहता हूं, जिसमें सेल्फ इनकम होती रहती है आपकी। इसी प्रकार से मैं आज एक फुल टाइम जॉब के बारे में लेके आया हूँ। देख सकते हैं आप, यस बैंक का मैंने पेज खोल रखा है। यस बैंक एक ऐसी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, जिसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है और जॉब भी आसानी से मिल जाती है। इसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि यस बैंक के अंदर आप जॉब पा सकते हैं 15,000 से स्टार्टिंग करके कम से कम 40,000 तक की जॉब आपको यूं ही मिल जाएगी, वो भी आपकी सिटी में। और कहीं भी ज़्यादा मगजमारी करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको खाली आपको ऑनलाइन पेज खोलना है और यस बैंक की साइट पे जाना है। यस बैंक की साइट पे जाके मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा इसको कैसे जाना है। आपको नहीं मिले तो आप मेरे लिंक पर क्लिक करके भी जा सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट आपको यस बैंक का जो जॉब सेक्शन है उसी वही खुलेगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको को ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे और जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट होती रहे, आप उस जॉब के लिए अप्लाई करते रहें और कहीं ना कहीं अपना करियर बनाएं और अच्छे से अच्छी इनकम करें। इसमें आपको मैं पार्ट टाइम भी लेके आता हूं, ताकि आप एक फुल टाइम जॉब के साथ में एक पार्ट टाइम वर्क भी कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं आपकी, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा, ताकि आप आपकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से आपकी जॉब चेंज कर सकें। आपको एक अच्छा ऑफ़र दिया जा रहा है अभी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको गूगल पे जाके yesbank.in लिखना होगा। yesbank.in लिखेंगे तो उसके बाद में आपको आगे क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। yesbank.in लिखा आपने, उसके बाद में सर्च करा, सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसमें सभी चीज़ें लिखी हुई होगी, पर्सनल, बिजनेस बैंकिंग, कॉरपोरेशन बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, ये सब लिखा होगा। आपको किसी को नहीं देखना है, आपको ये जो तीन लाइन दिख रही है यहाँ ऊपर की साइड, जो तीन लाइन दिख रही है, तीन लाइन पर क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसी में आप जाके वर्क विथ यूज़ में आप जैसे ही प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ पांच छह कॉलम क्रिएट हो जाएंगे, जिसमें कि आपको लिखा होगा करियर अपॉर्चुनिटी। करियर अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि आपका अगर जॉब पाना है, जॉब के सेक्शन में करियर बनाना है आपको यस बैंक में, तो करियर अपॉर्चुनिटी पे क्लिक कर दीजिए। आपके करियर अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करते से ही कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। आप देख सकते हैं इसमें यस बैंक के बारे में दिया हुआ है, करियर अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है। आपको कहीं नहीं करना, फाइंड एंड मोर अबाउट करेंट अपॉर्चुनिटी यस बैंक प्लेस, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक हर लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे, तो जो करेंट में जो जॉब्स सर्चिंग में होगी, यस बैंक में जो खाली होगी, वो आपको दिखने लग जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लोकेशन के हिसाब से जॉब आती है, आपको अपनी लोकेशन के हिसाब से भी जॉब सर्च कर सकते हैं। आपको कहीं अदर लोकेशन चाहिए तो अदर लोकेशन पे भी कर सकते हैं, और आपको कोई पर्सनली कोई डाटा एंट्री या जो भी आपको सेक्शन में जाना है, जिस फील्ड में जाना है, उस फील्ड की जॉब सर्च कर लीजिए। बैंकिंग सेक्टर में जिस क्लर्क की जॉब करना है, आपको मैनेजर पोस्ट पर जॉब करना है, आप यहाँ लिख दीजिए। आपको एचआर पोस्ट पर जॉब करना है तो वो सब यहाँ लिखा जाएगा। तो मैं तो अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं खाली लोकेशन के बेस पर सर्च करता हूँ। मैंने लोकेशन पर क्लिक करा, मैंने यहाँ इंदौर डाला, फेमस सिटी है इंदौर। मेरे इंदौर डालते से ही इंदौर में जितनी भी वैकेंसीज होगी वो सारी शो हो जाएगी नीचे की साइड में। देख सकते हैं आप, सर्च हो रहा है, ये मध्य प्रदेश इंदौर लिखा गया, मैंने क्लिक करा। उसके बाद में ये सारी इंदौर की जॉब्स लोकेशन हैं, जिसमें आपको ब्रांच बिजनेस लीडर की वैकेंसी खाली है, बिजनेस रिलेशनशिप पार्टनर की वैकेंसी खाली है, ब्रांच सर्विस लीडर की खाली है, ब्रांच सर्विस पार्टनर की ज़्यादा वैकेंसीज हैं, रिलेशनशिप मैनेजर की भी पोस्ट खाली है। अगर आपको लगता है कि आप रिलेशनशिप मैनेजर के लिए क्वालिफाइड हैं, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे वैकेंसीज खाली है, आप देख सकते हैं इंदौर के अंदर ही खाली 40 वैकेंसी खाली है। अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूं तो 3,050 वैकेंसीज खाली है।
जिस पोस्टों पे आपको अप्लाई कर सकते हैं आप, जिस पोस्ट के लिए, ये आपको सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपना भविष्य बना सकें। आप मेरा चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लाता रहूँ और आगे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी और पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब के लिए अगेंस्ट मैं आपको अच्छी से अच्छी जॉब दिला सकूँ। अभी तक आपने खाली जॉब अपॉर्चुनिटी देखी है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है मैं ये अभी बता देता हूँ। ये जैसे मैंने ब्रांच बिजनेस लीडर लिखा हुआ है फर्स्ट पे, मैं उसको क्लिक करूँगा। क्लिक करते से ही पूरी डिटेल आ जाएगी, आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस लगेगा, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये सब दिया हुआ है इसके अंदर। और कितने साल का एक्सपीरियंस आपको लगेगा, कौन से डिपार्टमेंट में है जॉब, आपको कौन सी लोकेशन मिल रही है इंदौर में भी, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। आप जैसे ही नीचे आएंगे, नीचे अप्लाई नाउ लिखा होगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो वो आपको साइन इन करने का बोलेगा, साइन अप करने का बोलेगा मैन्युअली या लॉगिन करने का बोलेगा। अगर आपने आपका लॉगिन है तो ठीक है, और नहीं है तो आप साइन अप करिएगा मैन्युअली। साइन अप मैन्युअली पे करेंगे तो यहाँ लिखा आएगा प्राइवेसी जाइएगा, यहाँ एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ अपना नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आप जनरेट करके साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद में कुछ आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा जिसमें आपको लिखा रहेगा रिज्यूम अपलोडेड। रिज्यूम आप अपलोडेड करेंगे, अगर आपको साइन अप हो रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप एक काम करिएगा आपके जीमेल आईडी का यूज़ करके भी आप साइन अप कर सकते हैं। डायरेक्ट आपका जीमेल आईडी अगर यूज़ करते हैं आप, नीचे लिखा आएगा जीमेल, तो आपको डायरेक्ट वो रिज्यूम पे पहुँचा देगा। आप रिज्यूम अपलोड कर दीजिएगा, उसके बाद में मैं देखो अभी बता देता हूँ। रिज्यूम अपलोड के लिए मैं रिज्यूम सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने रिज्यूम अपलोड के लिए डाला हुआ है। रिज्यूम अपलोड करने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे कर देंगे तो आपका काम हो। मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें खाली रिज्यूम जो अपलोड होगा वो खाली डॉक्स की जो फाइलें होगी वही उसी में अपलोड होगा। अगर आप अदर फाइल में बना के अगर अपलोड करेंगे तो इसके अंदर रिज्यूम अपलोड नहीं होगा। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो डॉक की जो रिज्यूम बनता है डॉक की प्रोफाइल में, उसमें आप रिज्यूम बना के आपका अपलोड करिएगा ताकि आपको आपको जॉब मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।